समीर रिजवी, ये नाम तो आपने सुना होगा। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं, लेकिन इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन यूपी T20 लीग में समीर रिजवी ने अपने दम पर अपनी टीम को हारा हुआ मुकाबला जिता दिया। समीर रिजवी यूपी T20 लीग में कानपुर सुपरस्टार्स के कप्तान हैं और कप्तानी पारी खेलते हुए उन्होंने अपनी टीम को अकेले ही जीत दर्ज करवा दी। लखनऊ के खिलाफ ये मुकाबला था और एक वक्त लखनऊ इस मुकाबले में जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन समीर रिजवी ने अकेले ही पूरा मुकाबला पलट दिया और मैच लखनऊ के मुंह से छीन लिया। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी समीर रिजवी का बल्ला इस बार पूरी तरीके से शांत था, लेकिन अपने प्रदेश की लीग में समीर ने ऐतिहासिक पारी खेली, अपनी टीम को जीत दिला दी। दरअसल उत्तर प्रदेश T20 लीग के तीसरे मैच में कानपुर सुपरस्टार्स ने लखनऊ फाल्कन को हराकर दूसरे सीजन की पहली जीत दर्ज की। इस हाई वोल्टेज मुकाबले को कानपुर सुपरस्टार्स ने आखिरी ओवर में अपने नाम किया और लखनऊ फाल्कन को 3 रनों से हराकर 2 अंक हासिल किए। एकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कानपुर सुपरस्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बना पाई। लखनऊ ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला उनके पक्ष में जाता हुआ भी दिखा, क्योंकि शुरुआती झटकों से कानपुर सुपरस्टार्स की कमर पूरी तरह टूट गई थी। शुरुआती 4 बल्लेबाज सिर्फ 20 रन ही जोड़ पाए, लेकिन कप्तान समीर रिजवी ने अकेले मोर्चा संभाला। जहां एक एक विकेट गिर रहे थे तो वहां कप्तान समीर खुद रनों का अंबार लगा रहे थे। समीर ने कप्तानी पारी खेलते हुए 51 गेंदों पर 89 रन बनाए। इस दौरान समीर के बल्ले से 8 चौके और 6 छक्के आए। समीर के अलावा 17 रनों का सर्वाधिक योगदान शुभम मिश्रा ने दिया। समीर की पारी और बाकी टीम के योगदान के दम पर 20 ओवर में 156 रन कानपुर की टीम बना पाई। लखनऊ के लिए अभिनंदन सिंह ने 4 ओवर में 26 रन खर्च कर 4 विकेट अपने नाम किए। आसान दिख रहे लक्ष्य का जब पीछा करने लखनऊ की टीम उतरी तो उनका कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। छोटे छोटे योगदान के कारण टीम को हार का सामना करना पड़ा और टारगेट से 3 रन पीछे रह गई। कप्तान प्रियम गर्ग ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। कानपुर सुपरस्टार के गेंदबाज शुभम मिश्रा ने 29 रन देकर 4 विकेट चटकाए। साथ ही विनीत पवार ने 25 रन देकर 2 शिकार किए। अपनी शानदार पारी के दम पर कानपुर के कप्तान समीर रिजवी को मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। कानपुर सुपरस्टार्स के लिए ये जीत काफी बड़ी है, क्योंकि एक हारा हुआ मैच समीर ने अकेले ही जिता दिया, उसके बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। इसी के साथ पॉइंट टेबल में भी कानपुर सुपरस्टार्स नंबर 3 पर पहुंच गई है और टॉप 4 पर रहने वाली टीम ही प्लेऑफ में जाएगी। यूपी T20 लीग के पॉइंट टेबल की बात करें तो पहले नंबर पर रिंकू सिंह की मेरठ मैवरिक्स है, जो 2 अंक हासिल कर चुकी है क्योंकि उनका रन रेट भी शानदार है। दूसरे नंबर पर गोरखपुर लायंस है, जो 2 अंकों के साथ है। तीसरे नंबर पर कानपुर है, जो अब 2 अंक हासिल कर चुकी है। उसके बाद लखनऊ की टीम और फिर नोएडा सुपर किंग्स के बाद काशी रुद्र का नाम आता है, जिन्होंने अभी तक खाता तक नहीं खोला। खैर, समीर रिजवी ने आईपीएल 2024 के लिए हुई नीलामी में तब सुर्खियां बटोरी जब चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी ने उनको 8.40 करोड़ की बड़ी राशि में खरीद लिया। बतौर बल्लेबाज रिजवी का डेब्यू सीजन में अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब पहले मैच में समीर का तूफान आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि यूपी T20 लीग से इस बार फिर से उन्हें आईपीएल में अच्छा खासा पैसा मिले या फिर चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें रिटेन करें।